अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले दिन भर के अपडेट्स देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल, आज की सुनवाई के बाद क्या होगा फैसला? जी हाँ दोस्तों, जस्ट आप क्या फैसला सुनाएंगे। और दोस्तों दूसरा बड़ा सवाल, क्या 40 और 45 की जीत पक्की हो चुकी है? जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के ये मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि 40 और 45 का पक्ष मजबूत और जीत पक्की। तो दोस्तों उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्या आखिर क्या है सच। उसके बाद दोस्तों फाइनल कट ऑफ को लेकर डिस्कस होगा और दोस्तों जानेंगे किसका पक्ष है मजबूत। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने पूरी सुनवाई ना देखी हो, आज की कोर्ट में क्या सुनवाई हुई है शुरू से लेकर अंत तक, तो दोस्तों आप इस वीडियो में ही पूरी वीडियो देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा आखिर आज कोर्ट में हुआ क्या। देखिए काफी बच्चों को पूरा चीज मामला नहीं पता होता, तो दोस्तों आप जब तक पूरा मामला नहीं देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तब तक आप खाली ऐसे ही बोल देंगे कि कुछ भी। तो लेकिन दोस्तों देखिए, लास्ट की बात सुनने से कुछ नहीं होता। देखिए आपको अगली डेट 6 नवंबर की मिली है, ये बात तो हर एक बच्चे को पता होगा कि अगली जो आपकी सुनवाई होने वाली है वो 6 नवंबर 2019 को होगी। तो दोस्तों एक लंबी डेट मिली आपको, आज 22 अक्टूबर थी, तो 22 से लेकर दोस्तों सीधे 6 तारीख की डेट। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे सीधे 15-15 दिन का डिफरेंस मिल रहा है। तो ये बात तो दोस्तों हमने आपको पहले बताई थी कि शिक्षक भर्ती में जो केसेस चलते हैं वो समय तो लगता है, तो वही आखिर समय देखने को लग रहा है कि समय तो लगेगा। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई, आज 60-65 की तरफ से जो भी सबमिशन था सब कुछ फाइनल कंप्लीट हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज 60-65 की टीम को जो बोलना था सब कुछ वो आज से क्लोज हो चुका है। अब वो सुनेंगे, बोलने की बारी उनकी समाप्त होती है। अब 40-45 की टीम आएगी दोस्तों मैदान में, और दोस्तों अब उनकी बहस शुरू होगी। और दोस्तों उन्होंने उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो 60-65 की टीम ने मुद्दा उठाया था तो उसी का दोस्तों सीधे वो आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों एक सवाल आ रहा है आपके मन में, और एक बड़ी अपडेट भी थी कि जस्ट साहब ने आखिर आज क्या कहा, कैसे क्या हुआ। तो दोस्तों उसकी तो पूरी अपडेट्स आप इस वीडियो में देख ही लेंगे, लेकिन दोस्तों पहले ये बात जो वायरल हो रही है उसकी बात सच्चाई आपको समझनी जरूरी होगी, क्या 40-45 की जीत है पक्की। देखिए दोस्तों आपकी जो 60 और 65 की टीम है वो 7 जनवरी को जो जारी शासनादेश था वो उसको अभी तक दोस्तों उतनी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। रीजन यही आ रहा है दोस्तों कि जस्ट साहब ये पूछते हैं कि आखिर आपने शासनादेश 7 तारीख को ही क्यों जारी किया, 6 को क्यों नहीं किया, 5 को क्यों नहीं किया, पहले आपको कर देना चाहिए था जब आपको सब कुछ तैयार था, अगर आपके मन में कुछ था ही नहीं। तो दोस्तों इसीलिए आप लोग जो मैसेजेस वायरल होते हैं उसमें 40-45 की जीत का ज्यादा जिक्र होता है, रीजन यही होता है दोस्तों। तो आपके 68,500 का दोस्तों पार्ट टू बता दिया जाता है 69,000 शिक्षक भर्ती, तो आसानी से 40 और 45 की जीत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 40-45 को जीतने के लिए सिर्फ 68,500 शिक्षक भर्ती को उसका पार्ट टू बता रहे 69,000 को। लेकिन दोस्तों हर बार आपने देखा होगा विज्ञप्ति में साफ साफ ये लिखा है कि इसमें जो नियम कानून जो नियम कायदे लागू होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है। तो दोस्तों ऐसा 60-65 की टीम ने भी ऐसा कुछ कहा भी, तो लेकिन दोस्तों उसको देखते क्या होता उसमें, और लेकिन देखते हैं दोस्तों क्योंकि काफी जज साहब इस बार दोस्तों देखिए काफी डीप एनालाइज करेंगे क्योंकि ये डबल बेंच में मामला है और इसके बाद आपका मामला जाएगा सीधे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों तो आप लोग को तो पता है सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचेगा। और बच्चों के मन में एक बात रहती है कि अंतरिम राहत पर आपको नौकरी कब मिलेगी। देखिए जब 60 और 65 की टीम जीतेगी ना तभी सरकार आपको अंतरिम राहत पर नौकरी देगी। अगर आपको लगता है कि 40-45 के जीतने के बाद अंतरिम राहत मिलेगा दोस्तों, फिर तो ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि 40-45 पर नौकरी दी जाए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 60-65 अगर जीतेगा तो अंतरिम राहत दिया जा सकता है, अन्यथा दोस्तों जब तक मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रहेगा तो वहां से जो मामला फाइनल होगा उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए आज के दिन पक्ष किसका मजबूत है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि 40-45 का पक्ष थोड़ा सा मजबूत है, 19-20 का फर्क हो रहा है, क्योंकि दोस्तों 60-65 का टीम अभी तक पूरी तरीके से दोस्तों ये साबित करने में असफल रहे कि जो 7 जनवरी को शासनादेश जारी हुआ है वो दोस्तों पहले क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। तो दोस्तों अभी पूरी तरीके से ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाए जैसा आपको, इसलिए दोस्तों कहा जा सकता है कि जो आपके 40 और 45 की टीम है उनका पक्ष 60-65 की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं कि 40-45 भी जीत चुकी है, क्योंकि अभी देखिए अब इनको बोलना है, अब दोस्तों जज साहब इनकी क्लास लेंगे, अब कैसे कि बोलते हैं कैसे क्या करते हैं। देखिए अभी तक 60-65 की टीम ने तो काफी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है अपना, ठीक है। अब दोस्तों बारी आती है आपके 40 और 45 की टीम की, तो दोस्तों अब एक बड़ी सुनवाई और अंतिम मोड़ पर जो सुनवाई दोस्तों डबल बेंच में वो अगली दोस्तों 6 नवंबर से शुरू हो जाएगी, तो ज्यादा समय दोस्तों नहीं लगेगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं और भी अपडेट के साथ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो आज की आप पूरी सुनवाई शुरू से लेकर अंत तक देख पाएंगे आखिर आज कोर्ट में
हुआ क्या था। ठीक है दोस्त, अगर आप जान पाएंगे कोर्ट में क्या हुआ था तो जज साहब ने कुछ बड़ी बातें कही, तो दोस्त उसको आपको जानना जरूरी है, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले आज क्या होता है कि आपके तिवारी सर बहस का शुभारंभ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की बहस तिवारी सर के द्वारा शुरू की जाती है। उसके बाद दोस्तों 1 दिसंबर 2019 के विज्ञापन में कोई कट ऑफ का जिक्र नहीं है, तो रिजल्ट कैसे जारी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात होती है कि इलाहाबाद के और लखनऊ के जजमेंट में कुछ कट ऑफ का जिक्र है, और वो कट ऑफ 7 जनवरी 2019 को लागू किया गया था। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपके क्या हुआ कोर्ट में, कि कोर्ट के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण केस ऑर्डर तिवारी सर द्वारा रखे जाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों तिवारी सर कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहे थे कुछ ऑर्डर्स को लेकर, फिर कोर्ट के समक्ष वही दोस्तों, फिर दोस्तों हुआ क्या कि माई लॉर्ड व्हाट इज द मिनिमम, तिवारी सर जी ने पूछा। ठीक है दोस्तों, उन्होंने पूछा कि जज साहब जी ये बताइए कि व्हाट इज मिनिमम, क्या मिनिमम होता है। फिर दोस्तों पेज 55 रूल 2x, ठीक है, 2 गुना की समानता, कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से समझा रहे हैं तिवारी सर, सिंगल बेंच ने अपेक्स कोर्ट को भी अवमानना की है क्वास करके। ठीक है दोस्तों, ये बात कही गई, सिंगल बेंच ने भी अपेक्स कोर्ट की अवमानना की है क्वास करके। फिर दोस्तों बात होती है कि सरकार को अधिकार है समय समय पर न्यूनतम अर्हता अंक में परिवर्तन करने का। तो दोस्तों वही बात, हर बार की तरह एक नई बात वही आई कि सरकार की पावर की दोस्तों बात यहाँ फिर से की गई। इफ मिनिमम शुड लुक लाइक मिनिमम, देन मिनिमम इज जीरो एंड जीरो कैन नॉट बी अलाउड, सर तिवारी सर ने ऐसा कहा। ठीक है, देखिए मिनिमम भाई सबसे छोटा तो आपका जीरो ही होता है, और जीरो आपका अलाउड नहीं है, ऐसा समझा रहे थे। फिर सिंगल बेंच में इमोशनल कार्ड खेलकर हमारे याचियों के विपक्षियों ने गुमराह करके भारत के साथ कम पासिंग मार्क भी मांग लिया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऐसा नहीं है। तो दोस्तों यही बात कही जा रही है कि जो सिंगल बेंच में आप लोग को पता होगा कि पहले तो उनको भारत भी दिया गया, उसके बाद दोस्तों पासिंग मार्क कम करके इमोशनल, जी हाँ दोस्तों होता ना इमोशनल कर करके जीत जाना, तो कुछ ऐसी बात रखी गई दोस्तों। फिर क्या हुआ कि सिंगल बेंच बियॉन्ड द डिमांड ऑफ रिट पिटिशन, ठीक है, कैसे फैसला नहीं दे सकती है, 40-45 का फैसला डिमांड नहीं था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बात होती है वेल आर्गुमेंट इज गोइंग बाय तिवारी सर, अच्छी चल रही थी। फिर पंकज सर टू तिवारी जी, पुराने परीक्षा की बात हो चुकी है, तिवारी सर हम अपने तरह से रखना चाहते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, शिक्षा मित्र का कहना है अधिक अंक आप हमें बाहर करने के लिए लगाया गया है, तो पिछली बार में क्या कोई शिक्षा मित्र फेल नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात होती है जब हम नए परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो नियम पुरानी परीक्षा के कैसे लग सकते हैं, यह बात तक दोस्तों यहां तक पहुंची। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, दे हैव नॉट चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ रूल, दे विल डेफिनेटली गेट वेटेज ऑफ इफ दे पास द ARTRE एग्जाम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, अगर आप करियर के प्रति गंभीर हैं तो आप अधिकतम का प्रयास करेंगे, सर सिंगल बेंच ने क्या सोचकर कंडीशनर किया कि इस पर प्रश्न चिन्ह है, वही ऑर्डर दोस्तों सस्टेन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सब बातें चल रही हैं, तो आज की बहस काफी जोरदार तरीके से रखी जा रही है। देखिए हर बार आपके साथ 65 टीम ने दोस्तों वही किया, सरकार की पावर हर बार जैसा आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। फिर दोस्तों देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, फिर दोस्तों आपकी पिछली भर्ती में जिस कट ऑफ पर असफल हुए, इस बार नेचर ऑफ एग्जाम बदलने के बाद भी वही कट ऑफ की मांग करना पूर्णतः अनुचित है, तो ऐसी बात दोस्तों हो रही थी आपके कोर्ट में। फिर दोस्तों क्या हुआ कि कहा गया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है तिवारी जी, तो दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। जब आप एक छोटे से बच्चे को समाज के लिए तैयार करते हैं तो क्या उसे उसके लिए सबसे अच्छे प्रबंध नहीं करते, मतलब सबसे अच्छे के लिए अच्छे से अच्छा। उसके बाद दोस्तों होता है यहाँ पर विरोधियों को लिबर्टी के आधार पर उन बच्चों के बीच जाना है जो समाज के निर्धारक हैं। सरकार ने कहा तुम सब 90-97 पास करो, सबको 25 अंक का भारांक देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि पिछली भर्ती का विज्ञापन पढ़ते हुए, 2019 का विज्ञापन पढ़ते हुए नई गाइडलाइन जारी हुई 1 दिसंबर को, दोनों विज्ञापनों में साफ लिखा है कि यह कटाप सिर्फ इसी भर्ती के लिए मान्य है। जी हाँ दोस्तों, ये हमने भी आपको बहुत पहले काफी बार बता चुके हैं, दोनों विज्ञापन हमने पढ़ा था, और दोस्तों इसमें सब कुछ ऐसा लिखा है कि जो शिक्षक भर्ती में हो रहा है, चाहे वो दोस्तों आपके 68,500 शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे वो दोस्तों 69,000, तो साफ साफ रूल ऐसा ही लिखा है कि जो कुछ नियम कानून है सिर्फ उसी भर्ती के लिए वो मान्य है। अब तो पॉइंट पंकज सर को भी याद आ गए होंगे, तिवारी सर के पहले विज्ञापन के बिंदु सर ही बता रहे हैं, 68,500 परीक्षा OMR सीट पर नहीं था। ठीक है, एक बड़ा पॉइंट, सब सब्जेक्टिव परीक्षा थी, यह 69,000 बहुविकल्पीय
तिवारी सर प्रणाम दोनों जीवों। ठीक है, जब आप परीक्षा में शामिल हुए थे तो आपको पता था कट ऑफ नहीं है और रिजल्ट जारी करने के लिए कोई कट ऑफ तो होगी ही, ये बात तो श्योर है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि 7 जनवरी का साधना देश अपने तय मानकों के अनुरूप जारी किया गया और सिंगल बेंच ने बिना किसी अधिकार के इसे रद्द कर दिया और 4045 का आदेश अपेक्स कोर्ट के विरुद्ध जाके दिया जो कि अपेक्स कोर्ट में पेंडिंग है। फिर दोस्तों क्या होता है कि सिंगल बेंच में यह तर्क कि कट ऑफ सिर्फ एक वर्ग शिक्षा मित्रों को फेल करने के लिए लगाई गई कहा तक सही है, जबकि प्रतिभागी 4,10,000 बच्चे थे और दोस्तों कट ऑफ सबके लिए समान रूप से लागू है। 68,500 में कट ऑफ कम थी, फिर भी ये असफल क्यों हुए। उसके बाद दोस्तों बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आनंद कुमार केस में दिए गए सारे आदेश, उम्र में छूट, भारांक सब इन्हें प्रदान किया जा रहा है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में तो इन्हें पूरी ही करनी पड़ेगी, जैसे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पास करना। तो दोस्तों ये बात कही जा रही है अभी तक की जो आपका नॉर्मल चीजें वो सब तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप बिना शिक्षक भर्ती पास करें ही आपको नौकरी दे दी जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मामला चल रहा है, देखिए बात बार बार घूम के आपकी 68,500 पर ही आ जा रही है। देखिए इस शिक्षक भर्ती का दोस्तों हमने आपको काफी पहले बता दिया कि ये शिक्षक भर्ती में उन्हीं की जीत होगी जो ये प्रूव कर ले जाए। देखिए 40-45 की जीत दोस्तों कैसे होगी, देखिए हम बता दे रहे हैं। अगर इनको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि 68,500 की पार्ट 2 आपकी 69,000 है, ठीक है, तो आपकी दोस्तों 40-45 कट ऑफ जीत जाएगी 100%। उसके बाद दोस्तों 60 और 65 टीम को बस इतना प्रूव करना है कि 68,500 से 69,000 शिक्षक भर्ती का कोई लेना देना नहीं है, तो दोस्तों 60 और 65 की जीत भी 100% श्योर है। तो साफ साफ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यार ये 68,500 शिक्षक भर्ती जो आई थी उसी के कारण दोस्तों इतना झमेला हो रहा है, नहीं तो दोस्तों अब तक आप लोग को नौकरी मिल चुकी होती, कोई केस ही ना होता, कुछ होता ही ना और सब कुछ अच्छा होता। तो दोस्तों आप जानते हैं कि उसके बाद आखिर क्या हुआ। फिर दोस्तों कट ऑफ को 20% बढ़ाने के कारण, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव सही नहीं, उस पर तिवारी जी समझाते हैं कि कैसे वहां 1/4 की प्रायिकता होती है। फिर दोस्तों उसके बाद आपके बीएड के बचाव में बहस करते हुए आपके तिवारी सर, फिर दोस्तों आपके सिंगल बेंच में कहा गया कि बीएड को शामिल करने के कारण कट ऑफ बढ़ाया गया। ठीक है, तो क्या हुआ था सिंगल बेंच में कि जब बीएड शामिल हो गया था इसी कारण से कट ऑफ को बढ़ा दिया गया। फिर सरकार ने कहा तुम सब 90-97 पास करो, सबको 25% भारांक देंगे। तिवारी सर जो पूछता ज्यादा है उसी को समझ में भी आता है। ठीक दोस्तों, उन्होंने कहा कि यार सरकार ने ये रूल लाया कि आप 90-97 पास कर लीजिए शिक्षा मित्रों के लिए तो आपको भारांक दिया जाएगा, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर दोस्तों तिवारी जी तो इस साथ सर के सारे डाउट क्लियर कर दे रहे हैं, मजेदार बहस दोस्तों इसमें चल रही थी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि सिंगल बेंच में कहा गया कि बीएड को शामिल करने के कारण कट ऑफ बढ़ाया गया। बीएड जो कि सुपीरियर क्वालिफिकेशन है, यदि वह परीक्षा में शामिल हुए तो उनके क्वालिटी मार्क तो जुड़ने ही थे। जी हाँ दोस्तों, फिर तिवारी सर ने बीएड को सुपीरियर कहा, तो दोस्तों एक अच्छी बात है कि बीएड को सुपीरियर कहा गया। उसके बाद दोस्तों माननीय इरशाद अली सर ने कहा ठीक है, एटीआरई 2018 दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ प्यून, ठीक है, समझ रहे ना प्यून किसे कहते हैं। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है आपका बीटीसी बीएड जो दोनों सरकार द्वारा स्वीकृत है, कोई क्वालिटी पॉइंट नहीं पा रहे हैं फिर भी पक्ष में। फिर उसके बाद दोस्तों जिन्हें भारांक मिल रहा है वो विपक्ष में क्यों, तिवारी सर। तो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये था, इस पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि बीटीसी बीएड जो दोनों सरकार द्वारा स्वीकृत है, ठीक है, बीटीसी और बीएड सरकार के द्वारा चलाई जाए संस्था है, कोई क्वालिटी पॉइंट्स नहीं पा रहे हैं फिर भी पक्ष में है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है आपका निगेटिव मार्किंग ना होने के कारण गेस मारने की प्रवृत्ति भी परीक्षा में प्रभावी थी, सही आंसर ना पता होने पर संभावना के आधार पर लगाए गए आंसर भी फायदा पहुंचा सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये कोई तर्क नहीं बनता कि यार गेस मार्किंग, ठीक है, ऐसा दोस्तों नहीं कहना चाहिए कि कोई बच्चा वहां तुक्का मारने जाता है पेपर में, हो सकता है कि मारता है, सबको पता है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें तुक्का लगाया जाता है, लेकिन दोस्तों ये कोई पॉइंट नहीं बनता आपका। फिर उसके बाद दोस्तों ऐसे में पासिंग मार्क कम रखना गलत होगा तिवारी सर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपकी बात पहुंच चुकी है कि भाई सब कुछ हो चुका है लेकिन पासिंग मार्क हमें ज्यादा ही चाहिए कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों सभी लोग अपने पॉइंट्स बता रहे हैं कि ये क्या क्या आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, इतनी लंबी बहस आप अब तक आपकी चल चुकी है, फिर जानते हैं दोस्तों उसके बाद आखिर क्या हुआ। तो दोस्तों इस बीच एक बड़ी खबर आती है कि अनिल तिवारी जी कोर्ट को गुमराह करने का भरपूर प्रयास में सिंगल बेंच वाली ही बहस दोहराते हुए, ठीक है, कोर्ट का कड़ा रुख, आपके पास परीक्षा के बाद पासिंग मार्क तय करने का कोई ठोस साक्ष्य सबूत हो तो प्रस्तुत करें, अन्यथा कोर्ट के बेस कीमती समय को बर्बाद ना करें। तो दोस्तों ये टीम रिजवान
की तरफ से एक बड़ी अपडेट आती है कि ऐसा कहा गया दोस्तों कोर्ट की तरफ से। अब दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, आनंद कुमार के केस में जो दिया है देंगे, लेकिन पहले अग्नि परीक्षा लेंगे, देश के भविष्य का सवाल है तिवारी सर। तिवारी जी की सकारात्मक बहस जारी, बीच बीच में जज साहब द्वारा किए गए सभी प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर जो टीम रिजवान की तरफ से एक अपडेट आई थी, ये काफी बड़ी अपडेट हो सकती है। अब कितनी सच्चाई दोस्तों वो बाद में पता चलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब आपकी सेवाओं के कारण आपको 25% मिल रहा है तो न्यूनतम अर्हता अंक को पार तो करेगा, ठीक है दोस्तों, कि मतलब इनको जो इन्होंने इतने साल काम किया है, नौकरी की है, उसके आधार पर दोस्तों इनको 25% भारांक दिया जा रहा है। जब पोस्ट की विज्ञप्ति आएगी सिलेक्शन प्रोसेस तभी से शुरू माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आपकी पोस्ट की विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है दोस्तों, उसमें यह बताया जाएगा कि आपके आगरा में 100 सीटें हैं, लखनऊ में 200 सीटें हैं नौकरी के लिए, वो चीज होती है दोस्तों। ये तो अभी आपका एक सुपर टेट का पेपर होता है, जैसे आपका यूपी टेट वैसा एक सुपर टेट, ठीक है। तो इसलिए परिणाम जारी करने की अनुमति एक्सपर्ट द्वारा तय मानक पर ही होना चाहिए। 60-65% कटाव तर्कस के अंतिम बार श्री अनिल तिवारी जी बेहतरीन तैयारी को कोर्ट के सामने रखते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर भी बहस बहुत ही तगड़ा चल रहा था, और आप इस बात को जो ये खबर आई थी दोस्तों, इसमें काफी बड़ी बात कही गई कि अनिल तिवारी जी कोर्ट को गुमराह करने के भरपूर प्रयास में सिंगल बेंच वाली ही बहस को दोहराते हुए। जी हाँ दोस्तों, जो उन्होंने सिंगल बेंच में बात की होगी उसी को यहाँ रिपीट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस पर कोर्ट का एक कड़ा रुख आया, आपके पास परीक्षा के बाद पासिंग मार्क तय करने का कोई ठोस साक्ष्य सबूत हो तो प्रस्तुत करें, अन्यथा कोर्ट के बेशकीमती समय को बर्बाद ना करें, ऐसा टीम रिजवान अंसारी की तरफ से अपडेट आती है। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, जो बच्चे 69,000 शिक्षक भर्ती में, अगर दोस्तों इसमें सच्चाई है तो दोस्तों एक बड़ी अपडेट हो सकती है, क्योंकि 40-45 और से 60 और 65 का मुद्दा काफी गर्म हो रहा है, ठीक है। और इसमें दोस्तों जीत किसी एक टीम की ही होगी, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से पता है। तो दोस्तों फिर जानते हैं क्या हुआ आगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि लिखित में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और ऑर्डर पुनः जमा कराए गए। तिवारी सर ने कहा, सिंगल में हमारी बहस नोट की गई और फाइनल ऑर्डर में संकलित नहीं की गई, एक हद तक वह भी अस्वीकार है। दोस्तों उसके बाद आपकी कोर्ट उठने वाली थी, लेकिन 10 मिनट तिवारी सर ने और मांगा गया। जी हाँ दोस्तों, इस समय कोर्ट उठने का समय हो चुका था कि कोर्ट ने कहा कि भाई टाइम ओवर, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी तिवारी सर ने 10 मिनट का और समय मांगा। फिर दोस्तों जानेंगे कि आखिर उस 10 मिनट में हुआ क्या, ठीक है। तो दोस्तों यही पर तिवारी सर का फाइनल सबमिशन कंप्लीट होता है, ठीक है। और उन्होंने कहा लास्ट टाइम कि 40-45 किसी भी कीमत पर सस्टेन नहीं किया जा सकता, बाकी गुणवत्ता को देखते हुए आप तय करें क्या उचित है और क्या अनुचित। तो दोस्तों तिवारी सर ने जज साहब पर ही फाइनल छोड़ दिया कि आप ही खुद से तय करना है आपको कि आपके हिसाब से क्या उचित होना चाहिए, क्या अनुचित होना चाहिए, 60-65 या 40-45। तो दोस्तों लास्ट टाइम उन्होंने यही बात कही कि किसी भी कीमत पर, जी हाँ दोस्तों, 40-45 किसी भी कीमत पर सस्टेन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों वो सरकार का पक्ष जानते हैं आप लोग, कि 60-65 जो बच्चे सपोर्टर है 60-65 का और सरकारी पक्ष है, तो दोस्तों सभी को चाहिए कि 60-65 कट ऑफ हो जाएगी, तभी वो बच्चे नौकरी पा पाएंगे जिन बच्चों के गुणांक कम बन रहे हैं। अगर दोस्तों आज की डेट में आपका 60 अंक का गुणांक बनता है सुपर टेट के नंबर को मिलाकर, तब आपकी नौकरी सिर्फ और सिर्फ 60 और 65 के भरोसे ही मिल सकती है। फिर दोस्तों विपक्ष से उपेंद्र मिश्रा जी अगली डेट को करेंगे बहस, और दोस्तों उपेंद्र जी 6 नवंबर से करेंगे बहस शुरू अपनी। और दोस्तों आपकी यहाँ पर अगली तारीख मुकर्रर होती है, और दोस्तों उसकी तारीख की डेट है 6 नवंबर 2019 समय 2:15। तो दोस्तों आपको एक और लंबी डेट मिली जरूर है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ से दीपावली की भी छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों अब 6 नवंबर 2019 से दोस्तों हम लोग लाइव होंगे फिर से, और दोस्तों आज की जो बहस था उसका कंक्लूजन दोस्तों आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज क्या हुआ सब कुछ आपने देखा शुरू से लेकर अंत तक, तो दोस्तों आप लोग खुद इसका कंक्लूजन निकालिएगा कि किसकी हो सकती है जीत और किसकी हो सकती है हार। और दोस्तों आज के हिसाब से जो आपने देखा होगा, जो जज साहब का एक कड़ा रुख देखने को मिला, लेकिन दोस्तों अगर ऐसी बात सच है टीम रिजवान की तरफ से जो अपडेट आई, अगर दोस्तों वो सच है, तो सच में यहाँ पर दोस्तों 40-45 का पक्ष थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। तो दोस्तों इसकी पूरी कंक्लूजन वीडियो आज देर रात तक आपके हमारे YouTube चैनल पर होगी। तो दोस्तों चलिए, अगर आप लोग चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड और हैप्पी दिवाली।